नमस्कार, नेक्स्ट टू नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे मामले में जहां एक ओर समर सिंह पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर अब आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पुलिस को लेकर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे के परिवार की तरफ से ये पूरा केस लड़ रहे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त और न्यायालय को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र को सौंपते हुए इस पूरे मामले को दूसरे थाने में स्थानांतरित करने की मांग परिवार की ओर से की गई है। दरअसल आकांक्षा दुबे के परिवार को ये आशंका है कि अगर ये केस सारनाथ थाने की पुलिस के पास ही रहता है तो वो शायद आरोपी समर सिंह को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये आरोप समर सिंह के खिलाफ यहाँ पर पुलिस के खिलाफ आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने लगाया है। इतना ही नहीं, परिवार ने पुलिस पर 2 करोड़ रुपए लेकर समर सिंह को बचाने की या फिर उसे कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसे लेकर पत्र भी न्यायालय और वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजा जा चुका है। आकांक्षा दुबे की मां का सीधे सीधे कहना है कि पुलिस इस केस में सबूतों को मैनिपुलेट कर सकती है और कहीं ना कहीं इससे समर सिंह बच सकता है। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि पुलिस इस मामले में जो अहम गवाह या फिर सस्पेक्ट के तौर पर लोग थे जिन्हें पुलिस ने आसानी से छोड़ दिया, कहीं ना कहीं पुलिस का ये रवैया इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो आकांक्षा दुबे के केस को दबाना चाहते हैं। यहां पर आकांक्षा की मां ने संदीप सिंह का नाम लिया है और संजय सिंह का लिया। संदीप सिंह वही शख्स है जो आकांक्षा के होटल रूम में उसके साथ रुका था 17 मिनट के लिए, और संजय सिंह जिसने समर सिंह की अब तक छुपने में मदद की। इन दो नामों का जिक्र किया गया और साथ ही सीधे सीधे कहा गया है कि अब इस मामले में न्यायालय जल्द ही कोई फैसला सुनाए, इस केस को सीधे सीधे सारनाथ थाना की पुलिस से दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि इसे लेकर आखिरकार अब पुलिस आयुक्त और साथ ही न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।